अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली न्यू बुर्का लिया है, ब्लैक कलर का, और जेड ब्लैक है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और ज़्यादा वर्क इस बुर्के पर नहीं था और मुझे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले बुर्के या फिर सूट्स ज़्यादा पसंद नहीं है। लाइट उस पर एम्ब्रॉयडरी हो, कढ़ाई हो या स्टोन्स वगैरह हो, वो सब लिमिट से ही अच्छी लगती है। और बहुत ज़्यादा ओवर मुझे नहीं अच्छा लगता है कुछ भी कढ़ाई वगैरह, तो इसलिए मैंने बहुत ही हल्की सी कढ़ाई इस पर ली है। और इस बुर्के का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत ज़्यादा मतलब अलग इसका कपड़ा था, फिरदौस इसका कपड़े का नाम था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका कपड़ा मुझे लगा। शाइन इसमें बिल्कुल भी नहीं थी कपड़े में, और काफ़ी सिल्की सा ये कपड़ा था, काफ़ी लचक सी थी इस कपड़े में और बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, कंफर्टेबल सा, और एयर पास भी होती। उस टाइप का ये कपड़ा नहीं था जिस कपड़े में एयर पास नहीं होती, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही बुर्का था, दूसरा बुर्का मेरा ख़राब हो गया था और इसलिए मैंने कहीं जाना होता था मुझे, तो मुझे यही बुर्का पहनना होता था और डेली यूज़ में भी मैं यही बुर्का ले रही थी, तो इसलिए मैंने दूसरा बुर्का बाय कर लिया। बट कलरफुल वाले बुर्के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, फुल साइज़ ये रहते हैं, तो मुझे इसको स्टिच करना था अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग मुझे इसको कटिंग वगैरह करके स्टिच करना था, जो कि मुझे काफ़ी सारा बुर्का कट भी करना पड़ा था और तब मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। और मैंने ये शोल्डर वगैरह सारे कट किए थे और उसके बाद फिर से इन्हें जॉइंट किया है अच्छे से कट करने के बाद। और टेलर वगैरह को मैंने दिखाया था, बट वो बहुत ज़्यादा इसके चार्ज मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे इसकी फिटिंग के लिए, तो मैंने इसको नहीं दिया, मैंने खुद ही से इसको फिटिंग करने लगी हूँ। और इसमें मोस्टली आधा आधा घंटा मुझे मिनिमम लगा था और इस फिटिंग अच्छे से हो गई थी, उसके बाद मैंने इसको कराया था। इंटरलॉक कराने के बाद फिर मैंने इसे अच्छे से वॉश किया था लिक्विड सोप में और फिर इसे अच्छे से आयरन वगैरह करके इसे रख दिया था। और ये देखिए मेरी बुर्के की फिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और स्लीव्स भी मैंने इसकी थोड़ी सी कट की थी, स्लीव्स भी थोड़ी लॉन्ग थी मेरे, और मैंने स्लीव्स को भी कट किया था। और ये देखें इसकी स्लीव्स और ये इसकी चेन जो इसमें ज़िप होती है साइड से अभी चल रही है फ़िलहाल, और ये इसकी ज़िप सेंटर में थी और स्लीव्स इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फिटिंग थोड़ी सी मैंने लूज़ ही रखी है बुर्के की, जैसे कि मैं डेली के पर्पज़ से इस बुर्के को नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए कहीं अगर हम किसी फंक्शन में या कहीं जा रहे हैं तभी हमें मोटे गाउन्स वगैरह या कुछ ऐसी हैवी ड्रेसेस पहननी होती हैं, तो उसके लिए हमें बुर्के को थोड़ा लूज़ ही रखना चाहिए ताकि कोई हमारी ड्रेस जो होती है हैवी सी वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और थोड़ा इसलिए मैंने बुर्के को लूज़ ही रखा है। और ये मैं बुर्के को अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी और इसमें मैंने कट्स भी लगा दिए हैं अंदर से, थोड़े से ज़्यादा मैंने कपड़ा नहीं कट किया है। और ये देखें मेरे बेटे ने कितनी सारी कैंडीज़, बिस्किट्स, वेफर्स वगैरह खा के और ये पूरा डस्टबिन भर दिया है। ये पूरा डस्टबिन को मैं खाली करके रखूँगी और उसमें यही सभी कचरा उसमें रहता है और बाकी कोई गंदी चीज़ उसमें नहीं डालते हैं हम, उस वाले डस्टबिन को इसी तरह से यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, पहले मैंने डस्टिंग कर ली है सारी, तो मैं अच्छे से पहले रूम को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं मोप लगाऊँगी। और ये था मेरे बुर्के का लुक, ये देखें और
और बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये मेरा बुर्का लग रहा था, सिंपल एंड सोबर। ज़्यादा वर्क इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं तो बुर्के बहुत ही ज़्यादा हैवी हैवी वर्क के चल रहे हैं फ़िलहाल, बट मुझे वो वाले बुर्के नहीं पसंद हैं, इसलिए मैंने सिंपल ये बुर्का पसंद किया है। और ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने बाय कर लिया था ये। और उसके बाद बनाना था मुझे खाना, और मैंने नहा लिया था, उसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चने की दाल की बड़ी, जिन्हें मंगोची भी कहा जाता है। और थोड़ी मेहनत ज़रा इसमें एक्स्ट्रा लगती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और इसलिए मैंने दाल को सुबह ही सोख करके रख दिया था और उसे अच्छे से पीस लिया है। दाल को अच्छे से पीसने के बाद मैंने उसमें बारीक प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप करके डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने हल्दी कलर के लिए उसमें ऐड किया है, नमक और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड किया है। और फिर मैंने एक कढ़ाई रखी थी, उसमें पानी रखा है, और फिर उसके ऊपर रखा है मैंने छन्ना। और बड़ियों को आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। इन्हें स्टीम पर पकने के लिए रख दिया है और इसको मैंने कर दिया है कवर। और अभी मैंने कुछ देर के लिए, मिनिमम 5 मिनट के लिए अभी मैंने स्टीम दूंगी, और मैंने गैस का फ्लेम फुल रखा है। और उसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए नींबू पानी। और जैसे कि आपको पता है मैं नींबू पानी बनाती हूँ तो उसमें मैं खस, शिकंजी मसाला ये ज़रूर से ऐड करती हूँ, सिंपल वाला मैं नहीं बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड के आने में अभी कुछ टाइम है, इसलिए अभी मैं ये पहले ही क्यूब्स वगैरह डाल के रख देती हूँ ताकि पानी ज़्यादा ठंडा ना हो नींबू पानी, और थोड़ा मेल्ट हो जाए इसी में। और पानी मैंने नींबू पानी बनाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल लिया है, कोई ठंडा मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसमें क्यूब्स ही डाली हैं। और इधर ये स्टीम हो चुकी है मेरी बढ़िया, और इन्हें मैं निकाल लूँगी। और काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट आता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने ये काफ़ी सारी निकाल कर अपने बेटे को भी दी थी, जब ये स्टीम करते हैं तो ये काफ़ी सारी मुझे अलग से भी थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है दाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को ये ऐसे ही पसंद है स्टीम वाली। और 2-3 मैंने भी खाई थी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ऐसे भी अगर इन्हें खाया जाए तो। बट मुझे बनानी थी सब्ज़ी, इसलिए मैंने कुछ ही निकाली थी खाने के लिए और बाकी सब्ज़ी के लिए छोड़ दी थी। और मैंने सेकंड बैच ऑफ मंगोची रख दिया है स्टीम देने के लिए। और ये मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो कपड़ों को मैंने फोल्ड कर दिया है इस बीच में, और ये मेरा सेकंड बैच भी हो गया है कंप्लीट। और ये जो इसमें वाटर बचा है, ये जो पानी इसमें हमने बॉईल करा था जिसके स्टीम में हमने बनाई थी मंगोचियाँ, उसी पानी को हम यूज़ भी करेंगे। और कढ़ाई में मैंने डाल लिया था ऑयल और उसको अच्छे से गरम करूँगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में फिर स्मेल आती है कच्ची, तो इसको मैं अच्छे से पहले गरम करती हूँ और उसके बाद ही इसमें कोई मसाले ऐड करती हूँ। और इस बीच में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर, तो उनको मुझे देना था नींबू पानी, और मुझे ये फ्राई भी करनी थी। आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, इनका टेस्ट सेम ही रहता है एज़ यू विश। अगर आप चाहें तो आप फ्राई कर सकते हैं, आप नहीं चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके टेस्ट पर। बट मैंने आधी फ्राई की हैं और आधी नहीं की हैं फ्राई। और दोबारा से मैंने कढ़ाई में तेल डालने के बाद उसको अच्छे से पका लिया था। उसके बाद मैंने उसमें डाला था ज़ीरा और हींग, और उसके बाद मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। और उसके बाद में मैंने उसमें डाली है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाला है। और इतने ही मसाला यहाँ पर मेरा तैयार होगा पक्के। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आटा गूंदने लगी हूँ, और जल्दी से जैसे ही ये मसाला फ्राई होगा तो फिर मेरी सब्ज़ी भी जल्दी से रेडी हो जाएगी। और उसके बाद में मैं आटे को तैयार कर लूँगी और साथ में मैं रोटियाँ भी बना लूँगी, इसलिए मैं जल्दी से आटा गूंदने लगी हूँ।
जैसे कि हमेशा की तरह मैं नीचे बैठकर ही आटा गूंथती हूँ और मैंने मसाले को कवर कर दिया है ताकि सारे फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएं, अच्छे से ऐड हो जाएं। और मैंने लो फ्लेम कर दी है गैस की, बिल्कुल लो फ्लेम करके मैं कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लूँगी। किसी भी सब्ज़ी में अगर मसाले का रोल सबसे ज़्यादा अहम है, उसको अच्छे से ही भूनना चाहिए हमें। अगर मसाले को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो उसमें कच्ची स्मेल आएगी, जो कि सब्ज़ी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। इसीलिए मसाले को हमेशा अच्छे से भूनें, चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा उसको रख दें बट जले नहीं। और मेरा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। मैंने 2 बार उसमें पानी हल्का हल्का सा ऐड करके पकाया था और उसको पकाने के बाद में मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया है। और मेरे यहाँ पर बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे इकट्ठा, जिन्हें मैं धोने लगी हूँ। और ये मशीन है मेरे पास छोटू सी, अनियन और चिली मैंने इसमें चॉप की थी बारीक बारीक, मैंने चने की दाल में मिक्स किया था। जब मैंने वो चने की दाल की बड़ी में मैंने मिक्स किया था बैटर में इसे, तो इसलिए मैंने इसमें बना लिया था। मुझे काफ़ी सारी प्याज को कट करना था इसलिए मैंने इसी में चॉप किया है प्याज को। जब मुझे ज़्यादा प्याज चॉप करनी होती है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ मशीन का। और उसके बाद मेरे बर्तन ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, क्योंकि बर्तन फिर हम खाना वगैरह भी खाएंगे तो काफ़ी सारे फिर से इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए मैंने बर्तनों को अभी से वॉश कर दिया है ताकि किचन मेरी क्लीन। सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जब किचन साफ़ होता है तभी किचन में काम करने के लिए मन भी करता है। और अब मेरी किचन हो गई है क्लीन, और इसमें पानी भी जो मैंने ऐड किया था वो अच्छे से पका लिया था मैंने। उसके बाद मैंने ये मंगोछियाँ डाली हैं इसमें, और इसको डाल के और अच्छे से मैं पकने के लिए कुछ देर के लिए रख दूंगी। फुल गैस बिल्कुल भी नहीं करना है, फ्लेम को लो रखना है। और एक साइड पर मैंने रख दिए हैं चावल पकने के लिए। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि चावल के साथ उनको ये खाना है, तो इसलिए मैंने चावल बना दिए हैं एक साइड पर। और अब मैं बनाने लगी हूँ सैलेड। और ये देखें, जब किचन क्लीन होती है तो कुकिंग करने का मज़ा ही अलग होता है, और इसलिए मैं सोचती हूँ अगर मैं किचन में कुकिंग भी कर रही हूँ तभी भी मैं हैंड टू हैंड किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरी किचन इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी मेरी किचन है, बट मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन वगैरह ज़्यादा इकट्ठे ना हों, और किचन के टॉप काउंटर को मैं क्लीन रखूं और उस पर ज़्यादा चीज़ें ना बिखेर कर फैला कर रखूं, उसे समेट कर रखूं। और क्योंकि मेरा टॉप काउंटर बहुत छोटा सा है तो इसलिए मैं हैंड टू हैंड यहाँ से चीज़ें समेटती रहती हूँ। कुकिंग करते टाइम भी मैं चीज़ों को उठा के अपनी जगह पर रखती रहती हूँ ताकि किचन में ज़्यादा कुछ फैले नहीं और किचन मेरी ऑर्गेनाइज्ड लगे और साफ़ सुथरी रहे। और ये मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी, और मेरे चावल भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। और मुझे इसमें गार्निश करना है हरा धनिया, और सब्ज़ी वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड ने खाई थी वो चावल के साथ, और मैंने भी चावल के साथ खाकर देखी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और ये मैंने हरे धनियों को धो लिया है अच्छे से, धो के रिंस करके अच्छे से मैंने इसे डाला है। और ये देखें, सब्ज़ी का लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और काफ़ी टेस्टी वो खाने में भी लग रही थी। और ये मैंने मिर्च को कट करके डाला है बीच में से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी लग रही थी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं तो इसी ट्रिक से बनाती हूँ, थोड़ी ट्रिक्स अलग होती हैं किसी की, बट मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला, कोई अलग किसी भी तरह का कोई मसाला और ऐड नहीं करती हूँ। सिंपल मसालों के साथ मैं इसी तरह से मंगोची की सब्ज़ी बनाती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी भी होती है।
और ये देखें चावल मेरे बनकर रेडी हो चुके हैं, और ये वही बासमती राइस हैं जो हम खाते हैं, इंडिया गेट बासमती राइस हैं ये, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखें एकदम खिले खिले ये चावल बने हैं। और इनको आधा घंटे पहले ही मैं भिगो के रखती हूँ, और इनको भी मैंने आधा घंटे पहले सोक करके रख दिया था, और ये काफ़ी अच्छे बनकर रेडी होते हैं, और इससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है खाने में। और मैंने चावल ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने आटा गूंद लिया था जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था चावल बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई थी और थोड़े से मैंने बनाए थे चावल। और ये देखें फाइनल लुक मेरी सब्ज़ी का, जो काफ़ी यमी लग रही है। और ये चावल भी रेडी हैं, अब मुझे बनानी थी रोटियां। और ये चावल ये देखें एकदम खिले खिले और काफ़ी अच्छे ये चावल बनके तैयार होते हैं, और हमें ये चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और कमेंट बॉक्स में भी बताया करें प्लीज़, अगर कोई चीज़ पसंद आती है, कोई डिश या कोई ड्रेस या कोई भी चीज़, प्लीज़ कमेंट किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं मेरी। और ये देखें काफ़ी टेस्टी बनकर रेडी हुई है, मुंह में पानी आ रहा है ना। और सभी काम मेरे हो गए थे फिनिश, मेरी रह गई थी रोटियां बनाने के लिए, तो अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और जैसे कि मैंने चावल बना लिए थे तो रोटियां मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, बट मेरे बेटे को चावल कम पसंद है। मोस्टली ये होता है कि बच्चों को राइस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, मेरे बेटे को चावल कम पसंद है और वो रोटियां पराठा ये चीज़ से बोर नहीं होता है वो, उसको रोटियां बनानी होती हैं मुझे, तो इसलिए मैं रोटियां बना रही थी। और साथ में मुझे भी थोड़ी बहुत रोटी खानी थी, चावल भी मैंने थोड़े से खाए थे बट मैंने एक रोटी भी खाई थी, तो इसलिए मैं रोटी भी बना रही थी। जिसको रोटी खानी होती है हम रोटी खा लेंगे, और थोड़े से चावल मैंने बनाए ही थे। और ये देखें और कुछ गेस्ट भी आ गए थे, और खाना हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और वीडियो ठीक से नहीं बनी है उसके लिए सॉरी। और फिर ये बनाई थी मैंने मॉर्निंग में वीडियो, और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए जूस, मेरे हस्बैंड छोड़ने गए थे मेरे बेटे को स्कूल वैन के लिए, वैन थोड़ा घर से दूर आती है तो उसको वहाँ पर छोड़ने जाने के लिए साथ में जाना पड़ता है, और वहीं से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए जूस। और अभी उनके जाने में टाइम था साइड पर, अभी उनको जाना था कुछ देर बाद, और उसको स्कूल के लिए भेजकर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और अभी मैं पीने लगी थी जूस जो कि फ्रेश था, अपने सामने वो फ्रेश बनवा कर लाए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अगर आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।